जी आप डायरिया के लिए कुछ ऐड? हाँ, वांटेड टू ऐड ऑन दिस डायरिया टॉपिक के नेचुरल जो होते हैं ना प्रोबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो कुदरती हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और नेचुरली वो हमें योगर्ट के अंदर मिलते हैं, दही के अंदर. अगर हम कुदरती तौर पे हासिल करें तो वो योगर्ट से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं होती जो हमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स मिलते हैं. वरना हम मेडिकली तौर पे अपने पेशेंट्स को प्रोबायोटिक देते हैं, प्रोबायोन के नाम से आते हैं, एकोटेक के नाम से आते हैं. नॉट हियर टू प्रमोट ब्रांड्स. तो एक एक टैबलेट आपने ले ली नाश्ते के बाद, ठीक है, वरना दही है. अब दही जो है वो इतनी कुदरती उसमें प्रोबायोटिक्स हैं, डायरिया को फौरी तौर पर कंट्रोल करती है. साथ में केला, बनाना डाइट, साथ में खिचड़ी, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे बड़े सब खा लेते हैं. सेकेंडली, जो इस्बगोल की भूसी है उसके एक मैजिकल रिजल्ट्स हैं. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इस्बगोल की भूसी आप गर्म पानी में ले लें तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी. यही इस्बगोल की भूसी अगर आप योगर्ट में ले लेते हैं तो आपको डायरिया स्टॉप हो जाएगा. तो ये वो कुदरती चीज़ है कि आप उस वक्त कहवा बनाएं या आप कोई ऐसी चीज़ जो घर में नहीं है तो फौरन आपने दही के अंदर ठंडी चीज़ में इस्बगोल की भूसी मिला दी, डायरिया जो है आपका स्टॉप हो जाएगा. गर्म चीज़ में इस्बगोल की भूसी मिला दी, कॉन्स्टिप